हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी तक इस लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूट्रिशन, हम फूड कैसे इनटेक करते हैं, फूड कहाँ जाता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन मतलब हम क्या चीज़ रिस्पायर करते हैं, वो कहाँ जाती है, कैसे क्या होता है उसका। अब हम इसमें उसी चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें हम रेस्पिरेशन प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन द कंप्लीट प्रोसेस, देखो, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। इसका मतलब है रेस्पिरेशन में तीन प्रोसेस हो रहे हैं। रेस्पिरेशन में हम ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर जाती है। देन जब ऑक्सीजन हमने फूड भी अब्जॉर्ब किया था, अभी तक हमने फूड को देखा था कि फूड हमारे ब्लड में मिक्स हुआ है, अभी ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में मिक्स होती है। तो फूड ऑक्सीजन के साथ मिलके, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन के बाद फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है, फूड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और हमें एनर्जी मिलेगी। अब अगर हम देखें तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम कहाँ से इस इनहेल करते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, कैसे लंग्स में जाता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, यही सब हम इस चैप्टर, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट अलाउ अ पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के नाम पे अगर हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम रेस्पायर करते हैं, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट एंड इंक्लूडिंग द नेजल पासेज, लेनिस, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स। तो ये पूरा सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी का है, इसमें कहाँ से क्या क्या होता है, मतलब क्या है। द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। हम सबसे पहले ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, अब और उसके बदले क्या हम एक्सहेल आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस बीच में हमारी बॉडी में ये जो इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, ये कहाँ जाती है, और ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बॉडी से निकालना, इन सब के बीच में कौन कौन सा ये ऑक्सीजन, ये गैसेस कहाँ जाती हैं, क्या प्रोसेस होता है, यही हम इस सब को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले आता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग क्या है, एक फिज़िकल प्रोसेस है। फिज़िकल प्रोसेस मतलब हमने सांस ली और सांस बाहर निकाल दी, तो ये क्या हो गया, ब्रीदिंग हो गई। बट रेस्पिरेशन की एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब रेस्पिरेशन में सिर्फ ब्रीदिंग ब्रीद आउट नहीं होता, इसमें और भी कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द बॉडी एंड गिविंग आउट। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, हमने ऑक्सीजन का इनटेक करा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। ब्रीद मतलब इनहेल और एक्सहेल, बस यही दो प्रोसेस होते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में ये सब आता है कि हमने ब्रीद करा, वो फिर फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकली। तो ये पूरा प्रोसेस हम रेस्पिरेशन में करेंगे। अब ब्रीदिंग में कोई एनर्जी की ना तो नीड होती है, ना ही कोई एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। आगे आता है इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। ब्रीदिंग जो है वो सेल के बाहर होती है, और रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल होता है, और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम्स आर नॉट नीडेड। ब्रीदिंग नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है, तो उसमें एंजाइम्स की तो नीड होगी नहीं, बट रेस्पिरेशन में डेफिनेटली एंजाइम्स की नीड होती है। बस यही था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अक्सर इसका एग्जाम में आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में ही ब्रीदिंग आता है,
लेकिन रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है और ब्रीदिंग एक छोटा प्रोसेस है जो कि फिजिकल प्रोसेस है। इसमें किसी कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन में हमने अभी पीछे ये देखा था, देखो ये लिखा है एटीपी मॉलिक्यूल, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलता है। अब देखो इसको ध्यान से सुनना, कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी, तो एडीपी कंबाइंस विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो एक होता है यहाँ पे, देखो ये एडीपी है, ये एडीपी में दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। अब इसमें एक और फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया और इसके जुड़ने से ये क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट एडीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। और जब एक, और जैसे हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी में फॉस्फेट पहुँचा और उससे हमें एनर्जी मिली और ये एनर्जी से ये एडिनोसिन डाई से ट्राईफॉस्फेट, अभी दो फॉस्फेट थे अब यहाँ पे तीन फॉस्फेट आ गए, तो ये बन गया एटीपी। अब ये जो एटीपी बना था इसमें एनर्जी स्टोर है। अब क्या हुआ, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ये एटीपी फिर से ब्रेक डाउन होता है, इससे एक फॉस्फेट अलग हो जाता है। अब फॉस्फेट जब अलग होता है तो एनर्जी भी रिलीज होती है और ये एनर्जी जब भी हमें एनर्जी चाहिए उसमें यूज़ हो जाती है। अब फिर ये एडीपी बन गया एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, फिर से एक फॉस्फेट, जैसे हमने फूड इनटेक किया या किसी भी फॉर्म में हमें एनर्जी मिली तो वो एनर्जी फॉस्फेट था, फॉस्फेट जैसे जुड़ा एनर्जी किस एनर्जी लेके जुड़ा और फिर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन गया। फिर जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड है तो ये फिर से ब्रेक डाउन हुआ, यही प्रोसेस चलता है। अब इसको हम पढ़ते हैं, एडीपी कंबाइंस, एडीपी कंबाइंस विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल्स, दैट इज एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी इज इक्वल्स टू एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मतलब एडीपी फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और उसको अगर हमने जो फूड खाया वो एनर्जी मिलती है तो ये क्या बन जाता है, एटीपी। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में सेव हो गया। अब जब भी हमें एनर्जी चाहिए तो एटीपी क्या करेगा, ये एटीपी जो है ये एडीपी में कन्वर्ट होगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में प्लस एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी जब भी हमें एनर्जी चाहिए तब उस फॉर्म में हम इस एनर्जी को ले लेंगे। अब क्या होता है, अब एडीपी और फॉस्फेट अलग अलग हो गए और एनर्जी मिल गई। अब जैसे ही हमने फूड खाया हमें एनर्जी मिली तो अब ये एडीपी और फॉस्फेट इनको वापस से एनर्जी मिली और ये किस में कन्वर्ट हो गए, एटीपी में। अब व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन, जैसे ही हमें एनर्जी चाहिए तो एटीपी ब्रोकन डाउन होता, मतलब टूटता है यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी और उससे एनर्जी मिलती है। देखो ऐसे इसको अगर हमें इजी वे में समझना है तो हम ऐसे समझेंगे, हमारे पास एक मोबाइल है, हमने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया, चार्जिंग पे मतलब उसको एनर्जी मिल रही है और वो एनर्जी उसने सेव कर लिया, अब उसकी बैटरी हो गई 100%। ठीक है, अब हमने इसे चार्जिंग से हटा दिया, अनप्लग कर दिया, अब ये 1/1 100%, अब ये 99+1%, अब ये 1% यूज़ कर ली, अब 98+1% ये 1% यूज़ कर ली, तो ऐसे ये 100 जो है धीरे धीरे ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। जो 100 से ज़ीरो तक पहुंचने में जो भी एनर्जी थी वो सब फ़ोन को हमने यूज़ किया उसमें ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से एटीपी और एडीपी होता है, फिर हमने जब इसकी बैटरी ज़ीरो हो गई तो हमने इसे फिर से चार्जिंग पे लगा दिया, अब इससे चार्जिंग मिलेगी तो जितने भी ये थे वो 1/1 बढ़ते जाएंगे, 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, अब ऐसे धीरे धीरे वो 100% हो जाएगा। अब ये क्या है, फुल चार्ज हो गया। अब जब हमें एनर्जी चाहिए तो ये टूटता रहेगा, 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा, 96 होगा, धीरे धीरे ऐसे ब्रोकन डाउन होती रहेगी और एनर्जी रिलीज होती रहेगी और फ़ोन की बैटरी डाउन होती रहेगी। तो इसी तरह से एटीपी और एडीपी है, एटीपी बन गया मतलब हमने फूड खाया तो एटीपी बन गया और उससे एटीपी बनने में एनर्जी चाहिए, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल गई थी, फूड से। अब एटीपी खाना खाने के बाद जब भी हमें एनर्जी चाहिए तो ये एडीपी में कन्वर्ट होता है। अब एडीपी में जब कन्वर्ट होगा तो इससे एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। फिर जब हम अब ये सारे एटीपी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एडीपी में कन्वर्ट हो गए, फिर से हम
फूड खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी, अब ये सारे एडीपी फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यही प्रोसेस चलता रहता है। अब आगे आता है रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहले देखते हैं यहाँ तक पहुँचे कैसे हम। सबसे पहले ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुँचता है, जो हमने कहा था कि हमने हमारी बॉडी में हमारी सेल्स तक ग्लूकोज या फूड जो है वो किसके हेल्प से पहुँचता है, ब्लड की हेल्प से। ये हमारे बॉडी की सेल्स में पहुँच गया, तो सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, 9th में हमने पढ़ा था। तो अब साइटोप्लाज्म से ग्लूकोज पहुँच गया और ये वहाँ पर डिग्रेड होता है किसके फॉर्म में, पाइरूवेट के फॉर्म में। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पाइरूवेट में। पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये पाइरूवेट जो है, अगर हमारी बॉडी में कंप्लीट ऑक्सीजन पहुंच रही है, मतलब हम प्रॉपरली इनहेल कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में पहुंच रही है। और अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो किस में कन्वर्ट हो गई, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ना पहुंचे। तो ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरियाज में होता है जिन्हें लिविंग रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, उनमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन का होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड नहीं है उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल बनता है, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। अब तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो पहुंच रही है लेकिन जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उतने अमाउंट में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो इसको कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी की एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल क्या है, सपोज़ आप भाग रहे हैं, आप रोज़ भागते, आपकी रोज़ भागने की आदत नहीं है लेकिन आज सडनली आपको भागना पड़ा। अब आप भाग रहे हैं खूब तेज तेज, आप लगभग 3-4 किलोमीटर भाग लिए। अब क्या आपकी सांस फूलती है, क्यों फूलती है, क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से ऑक्सीजन ले रही थी, आपकी बॉडी में नॉर्मल रूटीन के हिसाब से एनर्जी थी। लेकिन जब आपने भागना शुरू करा तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी कब मिलेगी, जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन जब हमारी बॉडी में रेगुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग उतनी ही ऑक्सीजन जा रही है जितनी रेगुलर नॉर्मल प्रोसेस के लिए नीड होती है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी बॉडी को और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब वो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाती तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने की बजाय लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है। लैक्टिक एसिड जहाँ जहाँ डिपॉजिट होता जाएगा हमारी बॉडी में, वहाँ वहाँ हमें क्रैम्प्स आने लगेंगे। इसीलिए अगर हम एक दिन अचानक से खूब सारी एक्सरसाइज कर ले तो हमारे मसल्स में पेन होता है। क्यों, क्योंकि मसल्स में उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोसेस होता है वो ना होके कहाँ क्या होता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी जिससे हमें क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स मतलब दर्द होता है हमारे मसल्स में। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सफिशेंट अमाउंट में हमें एनर्जी नहीं मिली, तो फूड जो ग्लूकोज था वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की वजह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डिपॉजिट होके हमें हमारी बॉडी में पेन क्रिएट करता है। तो ये था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की नीड होती है, वो भी सांस लेते हैं। तो वो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वही ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दैट टाइम दे टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एज रेस्पिरेशन एंड दे विल गेट एनर्जी। जो भी ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में लेते, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन लेते हैं और उसी से उन्हें एनर्जी मिलती है। इसीलिए कहते हैं रात को पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रात को रेस्पिरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इसीलिए।
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि होता कैसे है. द रूट्स ऑफ अ प्लांट कैरी आउट रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स. रूट हेयर की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं. रूट हेयर, अब सबसे पहले हम रूट का पढ़ रहे हैं. तो रूट्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं और रूट कहाँ होती है? सॉइल में होती है. सॉइल ऐसा तो नहीं है, सॉइल में कुछ एयर स्पेस भी होता है, तो वो एयर स्पेस में से ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज़न की हेल्प से होती है, डिफ्यूज़ होती है. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर एंड पासेस इनटू द अदर सेल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब जहाँ कंसंट्रेशन कम होती है उधर की तरफ ही ऑक्सीजन जाती रहती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रूट सेल्स मूव. अब जो रूट्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रूट से सॉइल में आ जाती है. इनटू द एयर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. सॉइल पार्टिकल में जो भी एयर स्पेस होते हैं वहाँ आ गई. इफ द सॉइल इज़ वाटर लॉक्ड. अगर सॉइल ऐसी है कि अगर सपोज हमने किसी पेड़ में बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो क्या होता है? दैट प्लांट विल डाई. वो मर जाएगा. क्यों? क्योंकि अब उसमें जो एयर स्पेस था उसमें वाटर पहुंच गया. वाटर पहुंचने से प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इसीलिए प्लांट की डेथ हो जाएगी. इसलिए प्लांट को जितना उसको नीड है उतना ही पानी देना चाहिए. ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट की डेथ हो जाती है. देयरफोर सॉइल टू बी यूज फॉर कल्टिवेशन इज ऑफन प्लग्ड टू मेक इट एरिएटेड. और इसलिए जब भी आप देखेंगे किसान क्या करते हैं, जब भी वो नया पेड़ लगाते हैं, नई फसल के लिए तैयारी करते हैं, तो वो उसमें हल चलाते हैं, प्लगिंग करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि वो मिट्टी एरिएटेड हो जाए. एरिएटेड होगी तो प्लांट को सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी और प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टेम. हमने देखा रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स रूट में से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट करते हैं. लेकिन स्टेम में क्या होता है? स्टेम में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं और लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं. द स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स या हर्ब्स हैव स्टोमेटा. सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इन टू द स्टेम ऑफ अ वुडी प्लांट थ्रू लेंटी सेल्स एंड रीचेज ऑल द इनर सेल्स ऑफ द स्टेम फॉर रेस्पिरेशन. तो स्टोमेटा का तो एग्जाम डायग्राम आपने देखा हुआ है. ये कहलाते हैं लेंटी सेल्स. ये जो है ये छोटे छोटे जो हैं ये लेंटी सेल्स होते हैं. इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टेम में होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज लीव्स. लीव्स में क्या होता है? लीव्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीफ के लोअर सरफेस पे, मतलब जो नीचे का पोर्शन होता है लीफ का, उसमें न्यूमरस नंबर्स ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट. उसमें बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. और स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है? टाइनी पोर्स जो होते हैं वो स्टोमेटा के होते हैं. उसकी हेल्प से एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन लीफ के अंदर जाती है. दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.